अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अभी हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया। मेरे साथ तैयबा है और अता भाई के साथ अभी हम जा रहे हैं। बच्चा पार्टी जाना है, कल आयत का स्कूल है इस्लामी डे में, उसको जैसे शलवार कमीज दुपट्टा प्रॉपर इस तरीके की ड्रेस चाहिए। अब इसकी मैंने कुर्तियाँ कुछ लेकर रखी हुई थी, ऐसे प्रॉपर सूट नहीं है जैसे शलवार कमीज और दुपट्टा हो, बस वही मुझे लेना है। अभी इफ्तारी में 2-3 घंटा रहता है, हमने सोचा ये पहले जा कर ले आते हैं, फिर टाइम नहीं मिले। और हमारी तैयबा तो कोई मौका नहीं छोड़ती बच्चा पार्टी जाने का, है ना? बहुत पसंद है बच्चा पार्टी। कुछ लेना है आज ही ऐसे घूमने फिरने? हाँ टाइम बहुत कम है। आज तीखा फोन आज कहाँ चली गई थी? आज चल अभी चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। ये देखो इतना बड़ा टैडी बैठा हुआ है, टांगें उसकी सही से नहीं आ रही। पर आ जाते हो? चलो इस साइड पर हम आ गए हैं। और ये लगी हुई है कुर्तियाँ, ये फ्रॉक हो गया, तो हमें तो चाहिए शलवार कमीज। ये लगी हुई है कुर्ती, ये देखो। अब इसके साथ हाँ दुपट्टा मिले ना, ये 2 पीस है या 1 पीस है? ये सिर्फ खाली शर्ट है। तो यहाँ पर हमने इतने देखे हैं, कोई साइज जो है ना सही नहीं मिल रहा था, अब ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। शलवार तो किसी के साथ नहीं, सबके साथ ऐसे ट्राउजर ही है। साइज भी बस इसी में मिल रहा है, यही वाले कलर में। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है? और अब इसके साथ का दुपट्टा ढूंढना पड़ेगा, दुपट्टा नहीं है। चलो फिर आगे चलें, दुपट्टा देखो जल्दी से। एक में से ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा फिर फैंसी हो जाएगा ना। पर हमारा सामान हो गया जल्दी जल्दी कंप्लीट, आज फिर से लिया, फिर से हमें फ्री में वाउचर मिल गए। गाड़ी थोड़ा आगे खड़ी, आ जाते ही वह जल्दी जल्दी किया है कि सुबह जो है ना हमारी आयत का ये जो डे मनाया जा रहा है ना मिस ना हो जाए। हो रहे हो रहे। तो जब भी बच्चा पार्टी जाओ ना ऐसे वाउचर हमें मिलते हैं। आज तो हॉट एंड स्पाइसी का मिल गया। और बस रास्ते से ना था भाई हम वो टैबलेट लेनी है सर दर्द की। तो तैयबा को ये हॉट एंड स्पाइसी का खाना है या पिज्ज़ा खाना? पिज्ज़ा मैक्स का। चलो अभी वेट करो जब तक आपके पापा नहीं आते, आपके पापा आ जाएंगे फिर चलेंगे। तो ये सारे वाउचर हम संभाल के रख देते हैं जो भी हम कुछ लेते हैं। तो ये 3 इसके पिज्ज़ा मैक्स के मिले और 3 इसके हॉट एंड स्पाइसी। अता भाई आपको खाना है तो ये वाउचर दे दें आपको, आप भी खा लीजिएगा। अच्छा इन चीज़ों से बीमार हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में बस लिया है, आयत का सूट तो मिल गया लेकिन उसके साथ का दुपट्टा नहीं मिला। बहुत हमने अंदर भी ढूंढा दुपट्टा, फिर भी नहीं मिला। अभी घर जाऊंगी, कोई अगर इसका सूट के साथ का दुपट्टा मैच हो रहा होगा तो उसको काट के जो है ना बनाएंगे, क्योंकि सुबह पहना कर भेजना था। और अब अम्मी के लिए यहाँ से टैबलेट लेनी, अम्मी के सर में दर्द था, ये लेती है। वैसे सेम आयत के लिए भी लेती है, इसमें तो ये निकले, ये तो भाईजान के लिए था। डॉल की है तो इतनी प्यारी है, दिखा दे। हाँ डॉल पे बहुत अच्छी लग रही है। आवाज आ गई थी? हाँ जी, सैमसंग वाला मोबाइल आपने छुपाया था ना? आपने छुपाया था? नहीं अभी तो मैं रख के गई थी, किसने कहा मैं छुपा था? अभी आज 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 नहीं, आप मोबाइल लेकर बैठे थे जब मैं गई थी, जब मैं अभी गई हूँ तो आप मोबाइल आपके हाथ में था। मेरा बीबी आपका नहीं डोरिटोस मुझे। अम्मी अभी तक सो रही है, अम्मी का रोजा भी और अम्मी की टैबलेट्स भी आ गई। चलो यहाँ पे रख देती हूँ, साथ में लेकर जाना ना। अबू भी कटिंग करवाएंगे बालों की, साइकिल पे अबू ही अपनी साइकिल लेकर जाता है, खुद ही कटवा के आता है। हाँ आपके पापा आ जाएंगे ना फिर जाएंगे, पापा के साथ जाना। वैसे भी 2 दिन तक आ जाएंगे, आ रहे हैं। और अम्मी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है तो अम्मी लेटी हुई है। अम्मी रोजे का टाइम तो हो रहा है, रोजा तो खोल ले। सुन लिया जान, बैठ जाओ। वैसे अभी 2 से 3 मिनट रहते हैं बस। अब गांव जाने की दुआ मांगी, ये गांव तो आप हमेशा जाते हो पढ़ाई के लिए। हाँ अपनी पढ़ाई के लिए दुआ मांगो। और तैयबा के लिए बोल रहे हैं, अब्बू कहते हैं तैयबा ने दुआ मांगी है कि मुझे दौलत मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रोज़ा हो गया इफ्तार। आज हमारे 15 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। जैसे हमारा, जैसे मैं वहाँ से आई ना आयत का वो ड्रेस लेने के लिए गई थी, जैसे मैं वहाँ से वापस आई टाइम बिल्कुल कम था और अम्मी की तबीयत भी सही नहीं थी। जल्दी से मोबाइल को चार्ज पे लगाया, मोबाइल की बैटरी डाउन थी। ऐसे होते पहले मेरे हस्बैंड थे ना अम्मी साथ में, हम तीनों मिलकर जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते थे, बना लेते थे इफ्तार की। तो अब टाइम बस पूरा था तो जल्दी जल्दी बस सब कुछ किया और वीडियो हमारी नहीं बन पाई उस टाइम पे। एंड टाइम पे आकर हम बैठे और बस अजान भी हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अम्मी को टैबलेट दी, अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, फिर हम जल्दी से डॉक्टर के पास गए। फिर व्लॉग भी नहीं बनता ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ में अम्मी मेरे साथ होती है। मतलब मुझे प्रमोशन के लिए कुछ भी आ रहा था, अम्मी उसकी अनबॉक्सिंग करती हैं, सहरी इफ्तारी फ्रूट कटिंग हो, सब्जी में, हर एक चीज़ में, मतलब मेरे हर व्लॉग में आपको अम्मी
साथ में भरपूर एक पार्टिसिपेट करती है मेरे व्लॉग में, मतलब फौरन मैं जैसे कैमरा घुमाती हूँ, मैं से कोई भी बात पूछती हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो अच्छे से एक मतलब जैसे होता है ना मेरा साथ देती है मतलब व्लॉगिंग करने में कि इसका अच्छे से अच्छा व्लॉग बने, मेरा हमेशा साथ देती है व्लॉगिंग में। मैं नहीं भी बना रही होती तो कहती है बनाया करो, क्यों बैठी हो, व्लॉग अपना बनाओ, अपनी तबीयत अच्छी करो। जब अम्मी की फिर तबीयत ठीक नहीं होती ना फिर मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर हमने व्लॉग नहीं बनाया। पहले अम्मी के साथ अच्छी खासी देर फिर बातें की, अम्मी को दवाया, टैबलेट वो डॉक्टर से होकर आया, फिर हमने ऊपर छत पे वॉक भी की। तो हमने कहा कि आज मोबाइल बिल्कुल नहीं उठाते, पहले अम्मी को टाइम देंगे। जब अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, अब थोड़ा वॉक कर रही है ना, बाहर चल रही है, तो अब शुक्र है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है तबीयत। तो बस अम्मी में मेरी जान बसती है, बेहतर है। तो अब अपना व्लॉग जो है ना कंटिन्यू करते हैं। से हम हॉस्पिटल गए, पीछे देखो दोबारा से बच्चों ने पेंटिंग उठा ली, अब तो जान नहीं छोड़ रहे। आज तैबा और न्यू ब्रश भी लेकर आई, अभी खैर ट्यूशन सर आए हुए हैं, अब्बू यहाँ पर लेटे रहे। देखो अब्बू को चाय बना के देखे गए थे, अब्बू ने चाय यहाँ पर पी। और रूम जो है ना सारा ऐसा कैसा बिखरा हुआ, अभी रूम को साफ करेंगे, फिर यहाँ पर बिस्तर लगाएंगे। हो गया हमारे चाय का दूध और साथ में सालन तैयार करना है, तो ये बैगन अभी रखे हैं, ये बैगन का आज भरता बनेगा हमारे। असल में ये मेरे हस्बैंड सब्जी लेके रख के गए थे और ये खराब हो रहे थे सारे, तो मैंने सोचा आज इनको पका दे। वॉक अप द सेम इन पेस आई एम डीजे ब्रो। अब्बू तो उठे हैं, अब्बू आपकी चाय आ गई। नहीं माशी, अब जब भी मुझे देखते हैं कहते हैं बदमाशी कर रहे हो। अबू मजाक करते हैं। हाँ जी, अबू हमेशा मजाक करते हैं मुस्तफा के साथ के बदमाशी कर रहे हो। अबू कहते हैं सैयदा, ये है भी सैयदा, यहीं पे बैठी रहे सैयदा सैयदा। तो यहाँ अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी अम्मा चाय पी लें, अम्मा का सर जो है ना दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। आपको पता है? हाँ जी पता है, तबीयत का पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है। सारा दिन फुटबॉल खेलते हो? मैं तो फुटबॉल खेल रहा था। हाँ अम्मा का सारा ख्याल मैंने रखा है। अम्मी की तबीयत असल में ठीक है, अभी थोड़ा वॉक किया ना। ब्लू नहीं आ रहा इसमें, पिंक आ रहा है। एक मिनट में अभी शुरू हो गई हमारी आयत के दुपट्टे की तलाशी। तो इसके कपड़े जैसे ना मैं इनकी यूनिफॉर्म आयरन करके, मुस्तफा की हो गई, ये तैयबा की हो गई, और हमारी आयत ने तो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना, ये ड्रेस पहन के जाना। ये रहा ब्लू नहीं, इसमें पिंक भी आ रहा है, देखो पिंक है। आपके पिंक दुपट्टे बहुत सारे। हाँ रेड पिंक रेड भी चलेगा। इधर आओ, इसके साथ का था ना आपके पास, इस वाले सूट आपका पिंक था ना, ये देखो मैच हो रहा है। चलो इसका कुछ करते हैं आयत का। ओए आयत के खुद के सूट का ही मिल गया, ये रहा शुक्र। ये देखो ये लाल मिल गया, ये वाला सूट भी वैसे आयत का बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना फैंसी है, मतलब ये अभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि फैंसी पहन कर आए, बड़े साइज का लिया था ना ये, तो इस वजह से ये बच गया, ये छोटा नहीं हो, ये थोड़ा बड़ा है, तो अब ये ईद पे भी वैसे पहन सकते। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इनमें इतना जल्दी मुझे आयत का दुपट्टा मिल जाएगा, इतना छोटा है बस। वैसा नहीं मिला, अगर सॉफ्ट वाला नरम वाला होता ना तो टिक भी जाता। अभी कहते हैं पिन अप करके सर पे भी पहना के भेजो, अब सर पे तो ये नहीं पहनेगी, चलो मैं यहाँ पर गले में किसी तरीके से कर लूंगी सर। ये इस तरीके का हमारी आयत का सूट बन गया, अब अम्मी को भी दिखा। अम्मी पढ़ने लगी थी अभी नमाज, तो पहले अम्मी मैं आपको आयत का सूट दिखानी, आपका दिल खुश हो जाएगा। आयत की छोटी दुपट्टा भी ढूंढ कर लाई हूँ। हाँ, मिल रहा है ना अम्मी? इतनी मैं परेशान थी अम्मी को, मैं बोल रही थी अम्मी आज मैं अपना दुपट्टा काट के बना दूंगी। मिल गया ना अम्मी, मैच तो हो गए। आयत की हाँ वैसा लग रहा है, कोई फ्रॉक था कोई कैसा था, तो ये मुझे अच्छा छोटी सी। अम्मी तस्बीह भी बोला है, तस्बीह आपके पास थी ना छोटी सी, वो मेरी नजर में थी कि अम्मी के पास एक छोटी तस्बीह है, वो मैं इसको दे के भेजूंगी। वहाँ से बच्चा पार्टी में भी तस्बीह मिल रही थी, वो मैंने कुछ भी नहीं लिया। नहीं नहीं तस्बीह छोटी सी तस्बीह है। तबीयत ठीक हुई तो मुझे खुशी मिली, मुझे थोड़ा सुकून मिला। अम्मी पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, मुझे व्लॉग नहीं बनाया जाता। मुझे पता था आज उधर से बहुत सारे मुझे फोन आए थे कि इस तरह के व्लॉग नहीं आया, आज व्लॉग भी हमारा लेट गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी के बगैर मेरे व्लॉग अधूरे। तो फिर अम्मी अभी मेरी वो दवाई लेके आई है ना, देखो मुझे कितने पसीना आ रहा है। हाँ अम्मी को सारे कपड़े भी गिले हो गए हैं अभी। हाँ। अभी तबीयत कुछ ठीक हो गई। चलो शुक्र है अम्मी। हाँ कहीं भूल ना जाऊँ।
हाँ अब ठीक है, चलो ये हो गया हमारी आयत का सुबह का ड्रेस। इसके अलावा बाकी मुझे ये भी बताना था, जैसे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं साथ में, कौसर भी आ रही है, तो जब से मैंने सुना है मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसको मैं कौन सा रूम दूंगी, उसको कौन सा रूम, क्योंकि एक रूम में अपना रूम अभी मैंने अब्बू को दिया हुआ है, तो उस रूम में तो अभी अब्बू होते हैं और इंशाल्लाह अब्बू ईद भी हमारे साथ ही करके जाएंगे। और इसके अलावा बाकी रह गया दूसरा अम्मी का रूम है, तो अम्मी के रूम में हम सब सोते हैं। अम्मी तो कह रही है कि वो हमारे साथ सोएगी, लेकिन जाहिर सी बात है अभी वो हमारे साथ रहेगी तो उसको मुझे सेपरेट रूम भी देना पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा है कि ये जो बच्चों वाला रूम है फिलहाल मैं इसी को सेट करके ये वाला रूम उसको दे देती हूँ, क्योंकि उसको अभी सेपरेट, इसके अलावा मेरे पास और कोई अलग से कमरा है नहीं। यहाँ पर बच्चे वैसे भी नहीं होते, दिन में खैर आते हैं थोड़ी देर, जो भी खेलना इनका होता है, बाकी इसके अलावा ये तो पूरी रात खाली रहता है ये वाला रूम। तो ये वाला रूम सोच रही हूँ इसमें बेडशीट सारा कुछ चेंज करके बना के, और इनके टॉयज भी जो इतने ज्यादा फैले हुए हैं वो भी बास्केटों में भरे हुए हैं, थोड़ा सा खाली कर देती हूँ ना, इधर बैग वैग सब कुछ जो भी इन बच्चों का पड़ा हुआ है। तो एक इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको एक सेट करके रखना पड़ेगा आने से पहले। हमारे मैट्रेस भी इधर ही लगते हैं जो हम मम्मी के रूम में बिछा के सोते। ये रही यहाँ की बेडशीट, यहाँ की वैसे न्यू बेडशीट भी आई, अभी तक मैंने नहीं बिछाया। ये वाली बेडशीट हर हफ्ते वैसे धुल जाती है, ये होता है कि यहाँ पे कोई सोता नहीं है, कोई आता नहीं है, बस बच्चे कभी कभी आते हैं, तो ये इसी वजह से यही लगी रहती है। लेकिन जाहिर सी बात है अभी कौसर आएगी तो उसके लिए मुझे ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एक साफ सुथरा उसको तो एक मुझे अलग से कमरा देना है, तो मैंने अभी यही सोचा। और आप सभी बताइएगा ये वाला रूम सही है, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, मैं उसको और कौन सा दे सकती, ये भी नहीं बोल सकती कि जहाँ पर मैं बच्चे अम्मी सब सो रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ सो, जाहिर सी बात उसको मुझे अलग रूम देना ही पड़ेगा। तो ये वाला रूम मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा मुझे एक बात और भी क्लियर करनी है, यहाँ पे जो है ना इस रूम में एसी नहीं है, तो मुझे पता है कि मुझे फिर से ऐसे मैसेज कमेंट ऐसा सब कुछ आना शुरू हो जाता है कि खुद जो है ना एसी वाले रूम में सो रहे हो, उसको ऐसे सुला रहे हो। तो जो भी मुझे शुरू से देख रहा है सबको अगर याद होगा, तो जैसे मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी, कौसर की शादी हुई थी, तो ये जब आई थी यहाँ पर कराची में, तो मेरे रूम में उस टाइम पे भी एसी था, तो ये मेरे रूम में नहीं सोई थी एसी की वजह से। मतलब मैं थोड़ी देर अगर चलाती थी तो ये फौरन, मतलब पहले तो 5-10 मिनट बैठती थी, फिर ज्यादा देर ये नहीं बैठ सकती थी। इसका कहना है कि ये पहले बहुत बीमार हुई थी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में पेन होता है, ये एसी की कूलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये वजह है। तो इस वजह से जो है ना फिर हमने सोचा कि चलो वो एसी में तो वैसे भी नहीं सोती। अभी आपने देखा गांव में भी मैंने एसी लगवाया, वहां पर जनरेटर हर एक चीज की, उसके रूम में भी हर एक चीज की सहूलत है, लेकिन वहां पर भी उसने एसी नहीं लगवाया, सिर्फ इस वजह से कि वो कहती है मुझे एसी में नींद नहीं आती। बाकी फिर हमने सोचा कि चलो अब्बू को जो है ना हम उस रूम में शिफ्ट कर देते हैं जहां पर अम्मी मैं बच्चे सब वहां पर सोते हैं ना, तो चलो हम तो नीचे मैट्रेस लगा के सो जाते हैं, और 2 बेड है अम्मी के रूम में, एक बेड अब्बू को दे देंगे। लेकिन अब्बू भी अब जब से गांव से है ना मेरे रूम में तो सोते हैं, लेकिन एसी ऑन बिल्कुल भी नहीं करने देते, बगैर एसी के सोते अब्बू। मैं यही कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से हर एक चीज अच्छे से करती हूँ, अच्छे से सोचती हूँ, अच्छे की उम्मीद रखती हूँ, मैं इस चीज का फर्क नहीं करती। मेरा दिल बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मानता कि हम अच्छी चीज खाएं, हम अच्छी चीज पहने, और जो हमारे साथ है उसमें हम उसके साथ हम कोई फर्क करें। अपनी तरफ से तो मैं अच्छे तरह से कोशिश करती हूँ, बाकी जिसका जो दिल करता है बोलने का बोल जो लोग बोलते हैं उसको मैं नहीं रोक सकती, क्योंकि उनकी आदत है बोलने की। अपनी तरफ से जो बात मुझे क्लियर करनी होगी वो मैं कर दूंगी, और बाकी जिसको बोलना होगा वो तो खैर बोलता ही रहेगा। अभी बस यही इतना बोलना था मुझे कि ये वाला रूम हमने अभी मैंने यही सोचा, और इंशाल्लाह कल इसकी साफ सफाई करके इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। चलो अब यहाँ से भी लाइट ऑफ करते हैं, और देखो अब अभी तक भी जाग रहे हैं, अभी तक भी नहीं सोए, और एसी ऑन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फैन में ही सोएंगे। सोते हैं तैयबा तो खैर अपने टाइम पे, ये बहुत अच्छी बात है, इसको जैसे बोलो फौरन आ जाती है सोने की। और जैसे डॉक्टर से वहां से वापस होकर आए, फिर अता भाई डीडी भाई ये सब गए हुए हैं, कल दोपहर को वापस आएंगे, आउट ऑफ सिटी गए हुए, तो उसके लिए भी मुझे बहुत मसला कि सुबह बच्चों को कौन छोड़ेगा। खैर फिर मैंने बाबर को फोन किया, वो खैर आएगा लेकिन वो गाड़ी तो नहीं चला सकता, फिर बाइक पे इनको तीनों को किसी तरीके छोड़ेगा। तो हमेशा मैं इतना नहीं सोचती, लेकिन इस दफा जब मेरे हस्बैंड गए ना, मैंने इतना सोचा काश मैं गाड़ी सीख लेती। बहुत ज्यादा ऐसा दिल लगी मैं अपने सारे काम खुद करूँ, जैसे कि गाड़ी है, भले मेरे हस्बैंड वापस भी आ जाए लेकिन मैं अपने ये सारी जिम्मेदारी खुद लेना सीखूं। और जब अब दिल करता है तो अब हमने वो ऑटोमेटिक जो गाड़ी थी जो मैंने सीखी थी वो हमने सेल कर दी, अभी ये वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-4 लाख का फर्क आ रहा है, लेकिन ये वाली गाड़ी मैं चेंज करूंगी, अभी फिलहाल अम्मी नहीं करने दे रही कि नहीं पहले घर बाद में ये। और घर की भी इंशाल्लाह बहुत
जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि घर का कब का बोला था अभी तक नहीं हो रहा, तो उसमें थोड़ा सा हमें पैसों का थोड़ा मसला आ रहा था, लेकिन इंशाल्लाह वो भी थोड़े बहुत अभी जमा कर रही हूँ, कुछ ना कुछ उसमें एक कमी आ रही है पैसों में, पैसों की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ले लूंगी, बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज भी दूंगी। गुड नाइट एवरीवन जी, आपका ब्रदर आ रहा है आपको फीडर बनाने के। लाइट ऑफ होगी, अभी सब सो रहे हैं, और हमारी जो चुटकला है ना, इसने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि प्लीज मम्मी मुझे अम्मा के पास जाने दो। अम्मा के साथ सोना क्यों? इसके है भी बहुत तेज, ब्लॉग में भी नहीं कहती। और मम्मी अभी क्या करूँ ना? क्या करो? अब क्या 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 करोगी? क्या हो गया? कुछ नहीं। कहती कुछ नहीं।